मेरे भाई लोग यार दिमाग का यूज करो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर साइट पर दे सकते हैं मेरे इस वीडियो पर कितना व्यूज आया है, 41,000 प्लस व्यूज आ चुका है। और आप लोग इस वीडियो पर व्यूज दे सकते हैं 2,00,000 व्यूज आ चुका है, इस वीडियो पर 4,00,000 व्यूज आ चुका है और मेरी काफी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं। लेकिन आप लोग अपने YT स्टूडियो ऐप की 3 हिडन यार सेटिंग को ऑन नहीं करते, इसलिए आपके वीडियोस पर 10-15 व्यूज आता है और आप लोग का कोई वीडियोस वायरल नहीं होता है। और आप लोग यकीन मानो, यदि आप लोग नए यूट्यूबर हैं और आप लोग अपने YT स्टूडियो ऐप की 3 हिडन सेटिंग को ऑन नहीं करोगे तो आपके वीडियोस पर जिंदगी में या ना तो व्यूज आएगा और ना ही आप लोग का वीडियोस वायरल होगा। तो आज की इस धमाकेदार वीडियो पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ YT स्टूडियो ऐप की 3 हिडन सेटिंग जो बड़े बड़े क्रिएटर यार अपने वीडियोस पर यूज करते हैं और अपने वीडियोस पर व्यूज को लाते हैं। तो आप लोग को भी टेंशन नहीं लेना है, आज से आपके वीडियोस पर यार व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आज का वीडियोस पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है और चैनल पे नए हो देख के रहो जल्दी से सब्सक्राइब करना। और मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस का बैकग्राउंड देखकर यार इस वीडियो को आप लोग को हल्के में नहीं लेना है और 3 हिडन सेटिंग आप लोग को जरूर देखकर जाना है अगर आप लोग को बड़ा यूट्यूबर बनना है। तो मैं साइट पर स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट करता हूं और मैं आप लोग लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। साइट पर स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है, अब मैं आप लोग को 3 हिडन सेटिंग बताने जा रहा हूं, बड़े गौर से देखिएगा। लेकिन यार 3 हिडन सेटिंग बताने से पहले मैं आप लोग एक सेटिंग की ताकत दिखाऊंगा जिससे आप लोग शॉक हो जाओगे, फिर मैं आप लोग ऑल सेटिंग बता दूंगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पास एक वीडियो की ताकत दिखाता हूँ, यहाँ पास देखते चलेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मेरे इस वीडियो पर कितना व्यूज आया, कम से कम 497,000 व्यूज आया है। और आप लोग वॉच टाइम देख सकते हैं, ओनली एक वीडियो से 20,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और ओनली एक वीडियो से करीबन यार 5,000 सब्सक्राइबर मेरे को गेन भी हो चुका है। और आप लोग डॉलर भी दे सकते हैं, ओनली एक वीडियो से 254 डॉलर भाई साहब मिला हुआ है, यानी एक सेटिंग करने से इतना ज्यादा फायदा यहाँ पास हो रहा है। तो भाई साहब आप लोग को तीनों हिडन सेटिंग जरूर देखकर जाना है, अगर आप नए यूट्यूबर हो तो आप लोग बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सिंपली आप लोग यार YT स्टूडियो ऐप पर आ जाना है एंड यहाँ पास एनालिसिस एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे या एनालिसिस वाले ऑप्शन पर आओगे, थोड़ा सा आप लोग कुछ इस प्रकार का स्क्रॉल करना, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सप्लोर टॉपिक लिखा होगा, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पर लिखा है टॉप सर्चेस, और काफी सारे नए क्रिएटर हैं जो यहाँ पास इनका भाई कुछ भी यार रूल्स नहीं समझते हैं। अगर आप लोग इनके बारे में नहीं समझोगे ना तो आपके वीडियोस पर यार जिंदगी में यार ज्यादा व्यूज नहीं आएगा और ना ही आप लोग का वीडियोस वायरल होगा। और आप लोगों को बताना चाहूंगा जितने भी बड़े क्रिएटर रहते हैं ना, ए भाई साहब यहाँ पास एक्सप्लोर टॉपिक से और टॉप सर्चर से आकर यहाँ पास दिमाग लगाते हैं, फिर यहाँ पास से आइडिया लेते हैं, फिर अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाते हैं, तभी यार बड़े बड़े क्रिएटर के चैनल पर ज्यादा व्यूज आता है। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, आप लोग यहाँ पास से कुछ भी आइडिया नहीं लेते हो तभी आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आता है। आप लोग थोड़ा सा गौर समझेगा, सबसे पहले यहाँ पास क्या लिखा दे सकते हैं, टॉप सर्चेस लिखा है, यानी यहाँ पास हमको YouTube यार खुद बताता है कि आप इन टॉपिक पर वीडियोस बनाओ, आपके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आएगा। अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस 0 व्यूज प्रॉब्लम, अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगा ना तो यार मेरे वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा। यकीन नहीं होता है, यूट्यूब पर आप लोग जाकर सर्च कर लेना यूट्यूब शॉर्ट 0 व्यूज प्रॉब्लम, मेरा ही वीडियोस यूट्यूब पर यार टॉप में रैंक करता है, तभी यहाँ पास यूट्यूब बता रहा है कि आप इस टॉपिक पर फिर से वीडियो सुनाओ, आपके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास यूट्यूब खुद बताता है कि आप यह वीडियो सुनाओ शॉर्ट रिएक्शन वीडियो एडिटिंग, यानी यूट्यूब को भी पता है कि अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगा तो मेरे वीडियोस पर यार ज्यादा व्यूज आएगा। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे रिएक्शन शॉर्ट वीडियोस कैसे बनाए तो मेरे इस वीडियो पर करीबन यार 5,00,000 व्यूज आने वाला है, तभी यूट्यूब बोलता है कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, आपके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आएगा। तो आप लोग को भी अपने YT स्टूडियो ऐप पर जाना है और इन तीनों टॉपिक पर वीडियोस बनाना है, देखना आपके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आएगा। अब आप लोग मैं दूसरी हिडन सेटिंग बताने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास क्या लिखा है भाई साहब, देख सकते हैं एक्सप्लोर टॉपिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब सोचो यार एक्सप्लोर टॉपिक यूट्यूब हमको क्यों देता है,
बड़े बड़े क्रिएटर इसको भाई साहब बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हैं। आप लोग दोस्तों मैं यह बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पास एक्सप्लोर टॉपिक का ऑप्शन देता है ना, तो भाई साहब यूट्यूब वाईटी स्टूडियो ऐप पर इसलिए यहाँ पास ऑप्शन देता है क्योंकि आप लोग यह पता कर सको वायरल टाइटल, वायरल डिस्क्रिप्शन, वायरल टैग आप लोग यहाँ पास से पता कर लेना है। और वीडियोस बनाने से पहले आप लोग जिस टॉपिक पर वीडियोस बनाते हो ना, आप लोग यहाँ पर सर्च करना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पास मैं सर्च करता हूँ, फिर मैं आप लोग बताऊंगा वायरल टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन कैसे लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियोस बनाया करो, सबसे पहले यहाँ पास आकर आप लोग को सर्च करना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए वीडियोस बनाता हूँ, कार्टून वीडियोस कैसे बनाए, ठीक है। यहाँ पास मैं वीडियोस बनाता हूँ, कार्टून वीडियोस कैसे बनाए, ठीक है। और यहाँ पास मैं आकर सर्च कर देता हूँ। आप जिस टॉपिक पर वीडियोस बनाए आप लोग यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च कर दोगे यहाँ पास यूट्यूब यार साफ साफ आप लोग को वायरल टाइटल भी दिखा देगा, और जो पूरे इंडिया में 3 वीडियोस टॉप में रैंक करता है वह वीडियो भाई सब यहाँ पर सजेस्ट कर देगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, तुम्हारे भाई का 1 नंबर वीडियोस टॉप में रैंक करता है, कार्टून वीडियोस कैसे बनाए। मैंने खुद यार कुछ इसी प्रकार दिमाग लगा लगा कर अपने वीडियोस को टॉप में यार मैंने खुद रैंक करवाया। आप लोग कुछ यहीं पास से वायरल टाइटल को यूज करना है, और जो वीडियो पूरे इंडिया में 2 नंबर पे टॉप में रैंक करे या तो 1 नंबर पे टॉप में रैंक करे, आप लोग सिंपली इनके वीडियोस में ऐसे क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद जैसे मैंने इनके वीडियोस पे क्लिक कर दिया है, आप लोग भी क्लिक कर दिया करो, ठीक है। थोड़ा सा ऐड आता है, हम यहाँ पास ऐड को भाई साहब थोड़ा सा स्किप करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर स्किप ऐसे वीडियोस में क्लिक कर लेना, और आप लोग इनके वीडियोस को देखना है और आइडिया लेना है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या वीडियोस में बोला है जिससे इनके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आया है, ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन आया है। तो आप लोग इनके वीडियोस की लेंथ देखना है, जैसे इन्होंने अपने वीडियोस की लेंथ रखा है 20.5 मिनट। तो भाई साहब यार अगर आप लोग अपने वीडियोस को टॉप में रैंक करना है इनके वीडियोस के ऊपर ना, तो आप लोग को भी कम से कम इनके वीडियोस की लेंथ के बराबर आप लोग को वीडियोस बनाना है, और आप लोग इनका जो वायरल टाइटल आपको यूज कर लेना है, और वायरल डिस्क्रिप्शन भी आप लोग को यूज कर लेना है। जितना भी इनका डिस्क्रिप्शन है आप लोग यूज करना, देखना आप लोग बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और इनका आप लोग ना वायरल टैग भी यूज कर लेना है, सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पे जाना एंड कॉपी लिंक में क्लिक कर लेना है। मैं आप लोग वायरल टैग लेने का तरीका बता देता हूँ। सिंपली टैग्यू नाम की एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लेना है, और इस ऐप की सहायता से आप किसी भी बड़े क्रिएटर का टैग पता कर सकते हो, ठीक है। सिंपली यार यहाँ पास गेट टैग्स फ्रॉम यूआरएल लिखा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर जो मैंने जिस वीडियो का लिंक कॉपी किया था उसको सिंपली यहाँ पास आकर पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे मैं पेस्ट करता हूँ थोड़ा सा ऐड आएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, और यहाँ पास ऐड को हम ऐसे भाई साहब स्किप कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं इस क्रिएटर का सारा यार वायरल टैग यहाँ पास आ जाता है, आप लोग भी इनके वायरल टैग को यूज कर सकते हो। तो ये रही भाई वाईटी स्टूडियो ऐप की 2 से 3 हिडन सेटिंग, अगर आप लोग इनको भाई साहब यूज करते हो, जो बड़े बड़े क्रिएटर यार यूज करते हैं। इसी प्रकार मैं खुद यार अपने वीडियोस पर तरीकों को यूज करता हूँ, और अपनी वीडियोस को यूट्यूब के सर्च पर भेजता हूँ, जिससे हमारे वीडियोस पर जिंदगी भर यार व्यूज आता रहेगा। और यह काम भाई जो बड़ा क्रिएटर स्प्रिंटिंग आना है वह भाई सब 100% इस प्रकार काम करते हैं, और ये भाई सब सोते भी रहते हैं ना, तो ये अच्छी खासी कमाई YouTube से 4 से 5 लाख मंथली अर्निंग कर लेते हैं। तो आई होप पर मेरा वीडियो आप लोग पसंद आया है। अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है तो इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, और चैनल पे नए हो देख के रहो यार जल्दी से सब्सक्राइब करना।